हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपका इंदकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बनाने वाले हैं जो एक फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर है। इस पर बहुत काम हो चुका है, बहुत बार वीडियो आ चुका है फ्रेंड्स, तो आज भी वीडियो आ रहा है कुछ नए प्रोटेक्शन के साथ। तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है कि इसका जो लो वोल्टेज है, ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट या ऐसा कुछ सिस्टम बनाए जिससे लो वोल्टेज जो है अपने हिसाब से सेट करके 11 वोल्ट या 10 वोल्ट, 11.5 वोल्ट या फिर 10.5 वोल्ट पर अपने से सेट कर उसको कट कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, तो आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग भाई नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हैं वो अच्छी बात है चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ऐसे में मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, तब हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए इसमें एक सर्किट बनाते हैं, इसके बाद फिर इसमें फिट करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम चालू करते हैं और लो बैटरी देखते हैं कि हम अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, इससे में बैटरी जो है वो बचेगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं पहले दोस्तों साइड। अब इसके लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए दोस्तों। एक हमें पहले रिले चाहिए, 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका सबका आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। ये 12 वोल्ट का है दोस्तों, इसको आप रिले इस तरह से ले सकते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि सर्किट बनाना है। इसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक मॉस्फेट में लिया है P60, आप इसकी जगह IRF Z44 भी ले सकते हैं, ठीक है, या 317 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर P60 का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, इसको दे सकते हैं जो रिले का ये 1, 2, 3 पॉइंट है, ये क्वाइल वाला दोनों पॉइंट हो गया, ये बीच का कॉमन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी 2 पिन है, तो हमें जो करना है दोस्तों यहाँ पर 3 पिन आप देख रहे हैं, तो इस वाले पर हमें लगाना है इसका जो बीच वाला पिन है, इसको हम लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 या 1.2 के का आपको एक रेजिस्टेंस ले लेना है, ठीक है। क्वार्टर वाट में है, आप हाफ वाट में भी दे सकते हैं इसको दोस्तों। यहाँ पर दे सकते हैं जो रिले वाला, ये वाला जो क्वाइल वाला पॉइंट है और बीच वाला कॉमन, इन दोनों को आपस में लगाते हुए लगा देंगे, ठीक है। ये सब पॉजिटिव है, ये लग गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये एक हमें प्रीसेट लेना होगा फ्रेंड्स, जो प्रीसेट है वो आप 47K 50K का कोई से भी ले सकते हैं या 4.7K का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 50K का जो है वो ले रहे हैं, तो इसका जो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से लेना है। यहाँ पर एक पिन है, फिर एक दो है, इस वाले पर हमें लगाना है ये वाला पॉइंट जो रेजिस्टेंस का आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 220 ओम्स का ये रेजिस्टेंस लेना है, ठीक है, ये लगेगा इस वाले पॉइंट पर जो IC का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पर लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से लग कर ये आगे जाएगा। और यहाँ पर एक जेनर डायोड लगेगा जो कि 5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट आप लगा सकते हैं, जो जेनर डायोड है ये वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहले हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसके बाद जेनर डायोड, फिर जाकर ये सीधे लग जाएगा आपका जो बीच वाला पॉइंट निकला हुआ यहाँ पर, ठीक है। इतना कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे दिखाते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया, फिर 3.7 वोल्ट का जेनर डायोड लगाकर इसके बीच वाले पॉइंट पर हमने मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक कैपेसिटर हमें लेना है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 25 वोल्ट 100 UF का लिए हैं। ये कहाँ कनेक्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जेनरेटर का जो ब्लैक वाला पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट होगा और एक चला जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव वाला पॉइंट कहाँ से आएगा, ये वाला जो है ये नेगेटिव वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेगेटिव कनेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर हो गया ये माइनस है कैपेसिटर का। फिर यहाँ से दोस्तों होते हुए ये देख सकते हैं आप इस तरह से अगर रखेंगे आप इस मॉस्फेट को, तो इस साइड वाले पिन में जो राइट वाला साइड है यहाँ पर माइनस वाला पॉइंट हो गया, ये माइनस निकल गया प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये प्लस आपका इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा इनपुट माइनस, ठीक, माइनस और प्लस, ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो काम है दोस्तों ये लगभग लगभग कम्प्लीट हो चुका है, और हमें अब एक इंडिकेटर लगाना है फ्रेंड्स, उसको भी हम लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। उसके लिए आपको 2 LED बल्ब लेना होगा, इस तरह से देख सकते हैं रेड और ग्रीन। इसके बाद 1K का एक रेजिस्टेंस, ठीक, कैसे कनेक्शन है करके हम दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये हमने LED का पॉजिटिव और पॉजिटिव यहाँ पर लगाया है दोस्तों, दोनों वाले पॉइंट पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक रेजिस्टेंस लगाया है 1K का, जो कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में लगाकर इसके बाद दोस्तों ये चला गया सीधे नेगेटिव, ठीक, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोस्तों कंप्लीट आपका जो है प्रोसेस जितना है वो हो चुका है। अब है इन्वर्टर में इसका कनेक्शन की बारी, इन्वर्टर हम लगाएंगे फ्रेंड्स, इसके बाद आपको हम फिर टेस्ट करके दिखाते हैं। तो अब टेस्टिंग की बारी है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जो बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किट है ये बन चुका है। यहाँ पर जो ये
ग्रीन और रेड हमने लगाया हुआ है। तो रेड पर दोस्तों आप एक बजर लगा सकते हैं, जो इस टाइप का यहाँ बजर लगा हुआ है, ठीक है, 1K का रेजिस्टेंस लगाकर आप यहाँ पर बजर लगा सकते हैं। जब रेड LED जलेगा तो बजर भी आपका बजेगा, इससे पता जाएगा कि लो बैटरी हो चुका है। ठीक, ओवरलोड वाला जैसे बनाया था उसी तरह से सब कंबाइंड वाले सिस्टम है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ग्रीन वाला है, तो ग्रीन वाले पर ही आपका इन्वर्टर का प्लस वाला पॉइंट जो यहाँ से इनपुट आप देंगे वो कनेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से बनाकर आप किसी भी इन्वर्टर में लगा सकते हैं दोस्तों, लो बैटरी होते कट कर देगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हमें लगाना होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला हम वायर यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो आपको हम बता देते हैं फिर जोड़ना कैसे है। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रेड, जहाँ पर ग्रीन वाला बल्ब लगा हुआ है, LED लगा हुआ है, वहाँ पर आपको जोड़ना है। ये आउटपुट हो गया, आउटपुट चला जाएगा सीधे ये पॉजिटिव में। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये जो निगेटिव है, निगेटिव के साथ हमें हिट कर देना है, ये सब कॉमन रहेगा जो कि यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है इसको हम लगा देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं पहले रेड जला था, उसके बाद फिर ये ग्रीन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये काम करेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाला LED है ये भी जल रहा है। ठीक है, इसको बंद करेगा तो आपको दिखेगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, बजर हमने हटा दिया था क्योंकि टेस्टिंग की बारी है फ्रेंड्स, नहीं तो यहाँ पर हम बजर लगाएंगे जिससे कपार खाएगा, कोई मतलब नहीं है, मतलब सर खाएगा। ये देख सकते हैं ये हमने निकाल रखा था। अब दोस्तों यहाँ पर हम टेस्टिंग की बारी है, टेस्टिंग क्या करना है, ये हम वोल्ट मीटर लेंगे और आपको दिखाएंगे इसका जो वोल्टेज है वो रियल में कितना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मेन तो यही है टेस्टिंग करना। ये पॉजिटिव को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस समय 11 पॉइंट इतना है। अब अपने से अपने हिसाब से आप वोल्टेज सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पे आपको बैटरी कट करना है उतना पहले वोल्टेज आपको सेट करना होगा। यहाँ पर हम सेट करते हैं, फिर मांग चलिए कि 10.5 वोल्ट पे हमें कट करना है, उसके बाद वो कट हो जाना चाहिए। यहाँ पर 10.5 वोल्ट हमने फ्रेंड्स जो है सेट कर दिया है। अब इसके बाद इसको प्रीसेट को हमें घुमाना है कि 10.5 वोल्ट पे चला जाए। जब रेड एलईडी जल जाएगा छोड़ देना है उसके बाद, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार घुमा के आप देख लेंगे, ज़्यादा नहीं हो गया है, ये हो गया। फिर इसके बाद हल्का से करेंगे, फिर बहुत धीरे धीरे आपको करना है, बस ये अब सेट हो गया। 10.5 वोल्ट पर ये आप कट कर देगा, जैसे आप 11 वोल्ट पे सेट करना था वहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इसको हम फ्रेंड्स बढ़ाते हैं, आपको 2-3 वोल्ट बढ़ाना होगा फ्रेंड्स, तभी ये हटेगा। अब यहाँ पर जैसे ही प्लस आ जाएगा देख सकते हैं 12.3 वोल्ट, यानी कि 12.6 वोल्ट पर बैटरी जब चार्ज हो जाता है तो उसके बाद ये अपने आप चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3.4 पहुँचा ही चालू हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 12.6, ये हमने यहाँ पर कर दिया फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ से आप इन्वर्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। स्टार्ट वाला पॉइंट ये है, बंद हो गया। अब काम करते हैं फ्रेंड्स, सबको सच्चाई होना चाहिए, सामने होना, रियलिटी होना, यहाँ पर आप देखते रहिए। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है तो बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ब्राइटनेस इसको हम कम कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। अब ठीक है, अब कम करते हैं फ्रेंड्स, ये 10.5 वोल्ट, ठीक है, जाना है वहाँ पर, ये कट करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये पहले ही कट कर दिया है जो कि हमने 10.5 वोल्ट पर सेट किया था। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, अभी जाते हैं। फिर हम 10.5 पर हम आ गए और फिर से देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। ये हो गया दोस्तों, अब फिर बढ़ाते हैं, देखते हैं 12.6 पर फ्रेंड्स ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम कम करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पर चालू होता है। ये 11 पॉइंट पर ही बैटरी कटा हो जा रहा है, जो कि सिस्टम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सही से काम नहीं कर पा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना पर हम सेट करेंगे फ्रेंड्स उतना पर होना चाहिए। दोस्तों ये मिशन फेल है, ठीक है, ये ऐसा प्रयास न कीजिएगा, ये बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसको बनाने से। ठीक है, हमने प्रयास किया लेकिन यहाँ पर अगर एक प्रकार से आप अगर प्रीसेट को चेंज करके देखना चाहे तो देख सकते हैं आप 4.7K लगा के, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई मतलब नहीं है, बकवास है। ठीक है, ये हमने बनाने का प्रयास जरूर किया लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर पाया है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर, ठीक है, ये दूसरे किट पर देखते हैं वो सफल होता है या नहीं। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, कभी कभी कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से बैटरी खराब हो सकती है। तो दोस्तों अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जो है सिस्टम यही रहेगा, हमने ड्राइवर सीट जो है उसको हटा दिया है। अब इसकी जगह हम लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटो कट किट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा किसी भी स्टेबलाइजर की दुकान पर, जहाँ पर स्टेबलाइजर बनता है या पार्ट में मिलता है। अब इसे टेस्टिंग करेंगे क्या ये सही से वर्क करता है या नहीं। आप पहले वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों उसको बना के आप टेस्टिंग कीजिए, अगर जिसका बन जाता है वो हमें मैसेज करके बताएं,
कि उसका सही से काम कर रहा है। 4.7K का उसे प्रीसेट लगाइए, देखते हैं वो काम करता है या नहीं। हमारे पास नहीं था इसलिए हमने नहीं लगा पाया है। अब इसका दोस्तों कनेक्शन आपको पता ही है, हम कनेक्शन को बंद कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं क्या है सही से वर्क करता है या नहीं। दोस्तों इसमें एक मॉडिफिकेशन आपको मतलब मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन क्या करना है, जो जीनर लगा है फ्रेंड्स यहाँ पर, इसको निकाल कर आपको, ये 8 या 9 वोल्ट का लगा हुआ है, इसको निकाल दीजिए। इसकी जगह आप 5 वोल्ट या 3 वोल्ट का जो जीनर डायोड है उसको आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर निकाल कर दोस्तों हम जो जीनर डायोड है उसको हम लगा लेते हैं। जिस तरह से लगा उसी तरह से आपको लगाना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने जीनर को लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्शन की बारी है, प्लस जो इस तरह से आपको बताए हुए थे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो डायोड लगा हुआ है इसके यहाँ पर दोनों को एक ही में करके यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। एक हो जाएगा यहाँ पर जो कि निगेटिव है, जो सभी का कैपेसिटी का निगेटिव है, यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और जो रिले वाला है यहाँ पर आया हुआ माइनस, यही हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको पता ही होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका कनेक्शन जो कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स, अब इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं सही से काम कर रहा है या नहीं। ऑन हो चुका है फ्रेंड्स, मल्टीमीटर भी आपको वोल्टेज दिखा रहा है फ्रेंड्स। अब हमें इसको सेट करना है 10.9, तो इसका जो है प्रीसेट इसको हम घुमाएंगे फ्रेंड्स। पहले इसको बढ़ाइए, ये हो गया यहाँ पर, अब इसके बाद ये हो गया रेड, ठीक है फ्रेंड्स, रेड हो चुका है। थोड़ा सा ब्राइटनेस हम कम करते हैं तभी आपको दिखे, ये हो गया फ्रेंड्स। अब वोल्टेज को बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, अभी परफेक्ट नहीं कह सकता, अभी हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि रियलिटी क्या है इसका। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 12.6 वोल्ट, जैसे ही आपका लिथियम बैटरी चार्ज हो गया उससे ही जो आपका यहाँ पर है ग्रीन एलईडी जल गया, इन्वर्टर चालू हो गया है, ठीक। अब जैसे ही वोल्टेज डाउन होगा फ्रेंड्स, आपका मांग चलिए कि बैटरी डाउन होगा, हमने सेट कर रखा है 10.9 वोल्ट, देखते हैं वहाँ पर करता है या पहले ही कट जाता है। एकदम परफेक्ट फ्रेस है, 10. जैसे ही 9 वोल्ट पर आया वैसे ही यहाँ पर ये कट गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो ये बंद हो चुका है फ्रेंड्स। इसको ये चालू करते हैं, चालू हो गया उसी पर। अगर इसको वोल्टेज हम फ्रेंड बढ़ाते हैं तो ये जाकर 12.6 वोल्ट पर ही चालू हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 12.6 हो गया, ऑन हो गया है। तो यहाँ पर इसको बंद करते हैं, बंद हो गया, ठीक। ऑन करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये ऑन है। अब देखते हैं ये चालू नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक समस्या यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स कि अगर आप चालू किए चालू नहीं हुआ, बैटरी आप चार्जिंग लगा दिए, थोड़ा और वोल्टेज जैसे इंक्रीज करेंगे तो चालू हो गया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर है 10.9 पर, यहाँ पर हमने कटअप लगाया है तो वो जाते वहाँ पर देख सकते हैं कट जा रहा है, ठीक है। यानी कि बैटरी प्रोटेक्शन आपका काम कर रहा है, ये वाला किट अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो बनाया हुआ था किट थोड़ा सा वो दिक्कत कर रहा था। वहाँ पर 4.7K का लगाइएगा तो बताइएगा कि काम करता है या नहीं, ठीक है। अगर इसको फिर हम 10.5 वोल्ट पर अगर सेट करें तो क्या होगा, इसको एक बार सेट कर लेते हैं। ये फिर सेट हो चुका है, अब बढ़ाते हैं वोल्टेज को, ठीक है फ्रेंड्स। 10.5 वोल्ट पर हमने सेट किया है, अगर इसको हम बंद कर देते हैं, मान से इन्वर्टर बंद हो गया, अगर इन्वर्टर आप चालू करेंगे तो देख सकते हैं ये तुरंत चालू हो गया है यहाँ पर। और आपका जो 10.5 वोल्ट पर था फ्रेंड्स, उसको हम ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ ये कट करता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों है 12.3/2 पर चालू हो जा रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज कम करते हैं और देखते हैं कहाँ पर कटता है। पर हमें सेट किया फ्रेंड्स, ये अच्छे से काम कर रहा है, यही वाला किट आप लगा लीजिए, बेस्ट उपाय है, ठीक है। ये उपाय आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट करके। अगर कोई भी और प्रॉब्लम समस्या है तो हमें वो बताइए, हमें आपका डाउट जो भी हो क्लियर करने का काम है हमारा, ठीक है। एक बार और हम मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर, तो किट बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बन जाएगा। क्योंकि अब वहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ कमियाँ है, अभी मैंने बनाया नहीं था, डायरेक्ट आपको बना के दिखाया है। अगर बनाएंगे स्पेशल तरीके से तो हो सकता है वो बन जाए, लेकिन अब यहाँ पर अगर आपको मिल जा रहा है तो ये वाला किट लगा कर आप अच्छे से काम कर सकते हैं, वरना जैसे आप कमेंट कर बताएं वैसा वो काम होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। लो वोल्टेज पे बैटरी कट जो आपका है वो कट हो रहा है, 10.5 वोल्ट पर आप चेक कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अब जैसे ही आपका 12.2 वोल्ट जाएगा वो
चालू हो जाएगा। तो ये अच्छे से दोस्तों काम करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो जीनर डायोड आप 3.7 लगाइए या 5 वोल्ट लगा सकते हैं, अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों वीडियो में यही था, काफ़ी मेहनत हुआ, तो इसके लिए आप लाइक करिए, डिस्क्राइब करिए, आपके ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर रखिए, और जो कोड है वो आप यहाँ इसका लिख लीजिए, ठीक है, गिवे वाला कोड है। देखिए कोड लिखे बस 9648, आज का जो कोड है वो है 9648 9648 9648। अभी दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से गिवे का जो ये हम कोड बोलते हैं इसका किस तरह से गिनती होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, हम पर डे 5 लोगों का जो नाम है वो लिखते हैं, जो फर्स्ट में पहले ही कमेंट करते हैं, पहले मैसेज करते हैं उनका लिखते हैं। इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से चुनाव होगा उन 5 लोगों का, कैसे कोड को जोड़ा जाएगा, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा, सब कुछ डिटेल में आपको हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।